साल पुरानी सड़क भी गड्ढे में खो जाती है, वहाँ 7,000 साल पुराना इतिहास आसानी से कैसे मिलेगा? 7,000 साल। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, पिछले दिनों में मुतीबा नहीं थी और मैंने एक मूवी का टीजर देखा था, द वर्ल्ड ऑफ राम सेतु, और अक्षय कुमार की फिल्म है। थोड़ा सा इसको हम बता देते हैं। राम सेतु बेसिकली एक ब्रिज है, यही बताया गया है इंटरनेट पे कि लॉर्ड राम ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था अपनी आर्मी के साथ सीता को बचाने के लिए। अच्छा, तो इसमें मूवी में क्या, अक्षय कुमार एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट टर्न्ड बिलीवर, जिनको के ये साबित करना है कि राम सेतु अभी भी एग्जिस्ट करता है। और मतलब है कि वो कहीं गया नहीं, अभी भी एग्जिस्ट करता है। बेसिकली असल में एक ब्रिज है राम सेतु। और इसमें हमने टीजर में ये देखा था कि भगदड़ मची हुई है, अक्षय कुमार हैं, जैकलीन हैं, नुसरत भरूचा हैं, और भगदड़ मची कभी पानी में वो जा रहे हैं, अक्षय कुमार एक बड़े से सूट में घुसे हुए हैं पानी के नीचे। एंड में वो कहते हैं हाँ इट्स हेयर, मतलब है कि वो नीचे से ब्रिज उनको नज़र भी आ गया। अब प्रॉपर हमारे पास इसका ट्रेलर आ गया, तो अभी इस ट्रेलर को देखते हैं, हमें मज़ीद पता चलेगा और देखने के बाद इस पर हम लोग करेंगे डिस्कशन। देश राम के भरोसे चलता है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राम सेतु को तोड़ने की इजाजत मांगी है। अच्छा, चुनौती कैसे दोगे? मेरे ख्याल में एक आदमी है। अच्छा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा फॉर एन आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन टू राम सेतु। मेरा काम है इतिहास की परत को खोलना। इतिहास का मतलब समझते हो? इट दस अकेले इतिहास से एक दस है। हाँ, जिस दुनिया में एक साल पुरानी सड़क भी गड्ढे में खो जाती है, वहाँ 7,000 साल पुराना इतिहास आसानी से कैसे मिलेगा? 7,000 साल अंडर वाटर राम से तो लाइक बैक ऑफ हैंड। उन्होंने हमें मरने के लिए इस मिशन पे भेजा है, लेकिन सच को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। ये सूट था पूरा, इसमें बैठ के जाते हैं पानी के नीचे। दुनिया में श्री राम के लाखों मंदिर हैं, पर सेतु सिर्फ एक। ये चल रहे हैं। हाँ। सेतु सिर्फ एक, ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? वो नीचे ब्रिज है ना, यानी कि तो कोई लगा चल रहे हैं। सो जैसे कि मैंने बताया था, अच्छा शुरू में ना अदालत में ये हुक्म दिया जाता है, मतलब है कि सेतु को तोड़ दिया जाए, डेमोलिश करने का बोलती है राम सेतु को। अच्छा, जो फिर जो वो आदमी है ना, जो वो अक्षय कुमार को अप्रोच करते हैं कि मैं तुम्हें एक मिशन पे भेजता हूँ, और अक्षय कुमार को कहते हैं राम सेतु को उन्होंने डिस्कवर करना है। क्यों लगता है जिन्होंने उन्हें भेजा है वो भी कुछ बीच में गड़बड़ ही करेंगे जहाँ तक मुझे लगता है, हो सकता है। तो बहरहाल अक्षय कुमार के साथ जैकलीन भी बैठी हुई है और नुसरत भरूचा भी उनको फोन पे कहती है, जो 7,000 साल पुराना जो हिस्ट्री को तुम जो है कैसे करोगे। हाँ, मतलब है कि अच्छा बीच में दिखाया कि कुछ लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं, जैकलीन है हेलीकॉप्टर पे, वो चीख रही है। अच्छा, डिफरेंट जगह कुछ एडवेंचर भी लग रहा है, जैसा एक गार टाइप में ये जा रहे हैं, किसी पानी के नीचे से गुजरते हुए जा रहे हैं। और अक्षय कुमार को पूरा बिलीव है कि मैं ढूंढ लूंगा, वो कहते हैं इन्होंने तो हमें मरने के लिए भेजा, लेकिन मैं वाकई में उसको ढूंढ के दिखाऊंगा। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि पीछे जो लोग पड़े हैं जैकलीन को वो शायद ले जाएंगे, हो सकता है। बहरहाल पूरा एक एडवेंचर चल रहा है और अक्षय कुमार एंड में एक पानी पे चल रहे होते हैं और बड़ा प्यारे हाथ में उनके पत्थर टाइप होता है और बड़े प्यारा डायलॉग भी आता है। दुनिया में राम के लाखों करोड़ों मंदिर हैं, लेकिन राम सेतु सिर्फ एक, चल रहे होते हैं। इट मींस कि वो हमने पिछले टीजर में भी देखा था कि उन्होंने नीचे से पानी के अंडर वाटर डिस्कवर कर लिया हुआ है। एक जगह पे जहाँ तक मुझे लगता है जैकलीन और नुसरत तो कुछ लोगों ने पकड़ा हुआ है, अब उनके पीछे भी जाहिर सी बात है कोई होंगे, क्योंकि अक्षय कुमार बोलते ना हमें मरने के लिए इन्होंने यहाँ पे भेजा है। तो खैर
फील्स अच्छी आ रही हैं। अच्छा अक्षय कुमार से अच्छा ही हमेशा अक्षय कुमार के एक्टर तो लाजवाब है, लेकिन उनकी लास्ट दो तीन फिल्म नहीं चली। होप करते हैं कि ये फिल्म चले तो लोगों को वो भी जानने को मिलेगा, सारा राम सेतु के हवाले से भी इसमें जानने को बहुत ज्यादा और भी मिलेगा। बाकी ये कुछ लोगों के इसमें मैं कमेंट्स वगैरह लास्ट टाइम पढ़ रहा था, वो कह रहे थे VFX वीक है जिस सूट में खासतौर पर अक्षय कुमार बैठ के जाते हैं। अब मेरा तो इतना ध्यान वहां पे नहीं गया, मैं ज्यादा कंटेंट को देखता हूँ, स्टोरी को देखता हूँ, एक्टिंग को देखता हूँ। तो आप बता सकते हो उस हवाले से आपका क्या VFX से रिलेटेड कहना है, और ओवरऑल मुझे VFX यूज हुए हैं ज्यादा? शुरू में जो एक क्रूज टाइप आता है मुझे वो VFX लगा, फिर ये जो सूट है इनका, बहरहाल ओवरऑल इम्प्रेसिव लग रही है। और अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस है उसके लिए, और जो एडवेंचर है एडवेंचर को मैं लुक फॉरवर्ड करूंगा। अच्छा मुझे ये सबसे कि अक्षय कुमार ने वेट अपना लूज किया हुआ है, अक्षय कुमार का हाँ वेट कम हुआ हुआ है। तो बहरहाल आप बताएं आपको क्या फील्स आ रही है, कैसा लगा इसका ट्रेलर, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप एड करना चाहते हैं एज ऑलवेज आप कॉमेंट में हमें बता सकते हैं हमें, ताकि हमारी नॉलेज भी गेन हो। रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो भूलना फॉर लेटेस्ट फोटोज और चैनल अपडेट्स के लिए। तो इसी तरह आपके लिए हम लोग नए नए रिएक्शंस लाते रहेंगे, तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखिए।